हेलो फ्रेंड्स, राइट विद प्रेम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत। फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम बताने वाले हैं आपको कि आप फोटो को किस प्रकार से ब्राइट कर सकते हैं, यानी कि उसको गोरा कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारे पास में दो फोटो हैं। पहला फोटो ये वाला है और इस फोटो को हमने इस प्रकार से बनाया है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल आसान ट्रिक है और सिर्फ दो लेयर का काम है। इसमें दो लेयर आप लेंगे और आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल सरल बताऊँगा, जिससे कि आपको पूरी तरह से समझ में आ सके। वीडियो बिल्कुल छोटा है तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट पूरा देखिएगा, उसके बाद कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला फोटो जो है हमने जो लिया है उसको हम रखेंगे और जिस फोटो पे हमने काम किया है उस फोटो को हम यहाँ से क्लोज कर लेते हैं। तो हमने फोटो इसको क्लोज कर लिया। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि एक फ़ोटो जो है हमारे पास में बचा हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये फ़ोटो हमारे पास में है, इस फोटो पर हम काम करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से मैं एक पैनल को हटा देता हूँ, हिस्ट्री पैनल को, और लेयर पैनल को मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इसे नीचे से बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो है हमारा लेयर पैनल है, अगर आपके पास में लेयर पैनल नहीं दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी पैनल शो नहीं हो रहा है, तो आप विंडो में जाइए और यहाँ से जो जो मैंने टिक कर रखे हैं, टूल बार, ऑप्शन बार, नेविगेटर, कलर और लेयर, तो यहाँ पर लेयर पर क्लिक कर दीजिए। तो लेयर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लेयर बॉक्स जो है आपका आ जाएगा। तो अभी हमारा लेयर बॉक्स चला गया है, हम इसको टिक कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेयर बॉक्स हमारा आ चुका है। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इस फोटो का लेवल चेक करेंगे, लेवल पर इसको सुधारने की कोशिश करते हैं कि इसका लेवल क्या होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इमेज में जाएंगे, यहाँ से एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ पर लेवल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं कंट्रोल एल भी लिखा हुआ है, ये शॉर्ट की है, तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल एल प्रेस कर सकते हैं या फिर यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो ये लेवल पैनल जो है हमारे पास में आ चुका है। अब यहाँ पर चैनल पर आप देखेंगे यहाँ पर RGB लिखा हुआ है। RGB का अर्थ होता है रेड, ग्रीन और ब्लू, जो कि यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाई देगा रेड, ग्रीन और ब्लू। हम तीनों का कलर चेक कर लेंगे, रेड का, ग्रीन का और ब्लू का। तो सबसे पहले हम रेड पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर रेड आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेड यहाँ पर अधिक मात्रा में है लेकिन इधर कम है। तो हम क्या करेंगे, इस पैनल को यह थोड़ा सा इधर खिसका कर एडजस्टमेंट करेंगे, यानी इनपुट लेवल हमने 10 कर दिया। ठीक है, आपको 10 नहीं करना है, आपको आपके लेवल के हिसाब से कि कितना एडजस्टमेंट कम है वहाँ तक रखना है। जैसे मेरे यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है तो मैं यहाँ पर इसको रखूँगा। उसके बाद में मैं सेलेक्ट करूँगा ग्रीन को। जैसे हम ग्रीन पर जाएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आउटपुट लेवल है, यहाँ पर ये जगह खाली पड़ा है, तो इस कर्सर को आपको यहाँ तक खिसकाना है, यहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर खिसका देता हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पर खिसकाया तो अब 233 आ गया है, या फिर इसको थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ मैं। ये काउंटिंग कितनी ये आपको नहीं देखनी, आपको तो सिर्फ अपने पैनल को यहाँ पर देखना है कि खाली जगह कितनी है, उसको एडजस्टमेंट करना है। उसके बाद आपको जाना है ब्लू पर। तो ब्लू देखिए बहुत कम है, तो यहाँ पर ब्लू को आपको एडजस्टमेंट यहाँ पर करना है। तो इतना ब्लू को एडजस्टमेंट आप कर लीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, RGB पर वापस आ जाएगा। तो काफ़ी लेवल जो है इसका सेटअप हो चुका है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा लेना है और यहाँ से थोड़ा सा ब्राइटनेस को बढ़ा लेना है। ठीक है, तो यहाँ से अब आप ओके कर सकते हैं। कुल मिला के इस फोटो के अंदर लेवल्स जो हैं, लेवल्स हमने सेट कर लिया। अब आप देख सकते हैं इस फोटो पर कोई दूसरे कलर का इफ़ेक्ट तो नहीं है, तो देखने में आ रहा है कि इस फोटो पर हमारे कोई भी दूसरा इफ़ेक्ट इतना नहीं है। थोड़ा येलो इफ़ेक्ट है लेकिन वो इसकी ड्रेस की वजह से है, तो ये चलेगा। ठीक है, इस फोटो पर कुछ और समस्या होती तो हम किसी यहाँ पर और किसी एडजस्टमेंट लेयर का इस्तेमाल करते, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर नहीं है फ़िलहाल, तो मैं इसको यहीं तक सेट करूँगा। किसी अगले फोटो में या अगले ट्यूटोरियल में मैं आपको आगे से प्रोसेस बताऊँगा, क्योंकि एक एक करके आपको बताऊँगा तभी जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, इस पर एक लेयर ऐड करेंगे। लेयर ऐड करने के दो तरीके मैं आपको बताऊंगा। एक तो यहाँ पर ये नीचे आप देखेंगे इस पैनल के नीचे यहाँ पर भी एक क्रिएट ए न्यू लेयर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करके भी आप न्यू लेयर ले सकते हैं। और यहाँ पर ऊपर देखिए आप ऑप्शन बार में यहाँ पर लेयर लिखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे न्यू और यहाँ पर एक न्यू लेयर आप बना सकते हैं, या फिर शिफ्ट कंट्रोल एन इसकी शॉर्टकट की हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, न्यू लेयर का पॉपअप जो है वो आपके पास में आ जाएगा। अब आपको क्या करना है,
आप इस लेयर का कुछ नाम देना चाहे तो दे सकते हैं, मैं ज़्यादा लेयर का काम नहीं, इसलिए मैं इस लेयर का कोई नाम नहीं दे रहा हूँ। अब यहाँ पर कलर मैं आपको सेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर रेड कलर हमने इसका सेट कर लिया है, या फिर आप कोई सा भी कलर यहाँ से एक कलर जो है आप सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड ले रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद में मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। अब देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू लेयर जो है वो ऐड हो चुकी है, ठीक है, लेकिन अभी अभी इस लेयर में कुछ है नहीं, ठीक है। अभी इसको हाइड करेंगे या शो करेंगे तो कुछ भी इफ़ेक्ट या कुछ भी नहीं दिखेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेयर पर कुछ काम करेंगे। अब लेयर पर काम करने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये हमारा टूल बार है और टूल बार में यहाँ पर ये ब्रश है, या फिर आप कीबोर्ड से बी प्रेस करेंगे तो भी ये ब्रश सेलेक्ट हो जाएगा। ये बी प्रेस करेंगे या फिर ये ब्रश आपको यहाँ पर देखना है, इस ब्रश को सेलेक्ट करना है। ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ से ये ब्रश पैनल जो है वो ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास में शुरुआत में शॉर्टकट आ रहा है तो आप यहाँ से कॉर्नर पर आइए, उस पकड़ करके इसको लंबा कर दीजिए। यहाँ पर ये हार्ड ब्रश है ऊपर और यहाँ पर ये सॉफ्ट ब्रश है, ठीक है, 9 नंबर। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ से ब्रश की साइज़ को बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। अब ब्रश देख रहा हूँ कितना दिखाई दे रहा है, बहुत छोटा दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम इसकी साइज़ को है बढ़ा सकते हैं। इतना ब्रश बड़ा हो गया, अब मैं क्या करूँगा, तो इसको हम साइड में क्लिक कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इतना होने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं दो कलर है यहाँ पर, ठीक है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ऊपर वाला फॉरग्राउंड कलर है और नीचे वाला बैकग्राउंड कलर है। ऊपर वाले फॉरग्राउंड कलर को आप चेक करेंगे तो मैं यहाँ से फॉरग्राउंड कलर पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं यहाँ से येलो कलर को चुन लेता हूँ और यहाँ से बिल्कुल लाइट कलर यहाँ से सेलेक्ट करना आपको, या फिर आप वाइट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप येलो लेंगे तो भी बेहतर है, ठीक है। यहाँ से आप ले लीजिए और यहाँ से ओके कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अब हमको क्या करना है, इस फोटो को बड़ा करना है। तो इस फोटो को बड़ा करने के लिए क्या करेंगे, आप कंट्रोल और प्लस बटन को दबाएंगे, कंट्रोल और प्लस बटन को, तो ये फोटो जो है वो बड़ा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, जो बड़ी कीबोर्ड के अंदर बड़ी बटन है, स्पेस बार कहते हैं उसको, उसको आप क्लिक करेंगे तो ये हाथ आ जाएगा, हैंड टूल, और इसको हटाएंगे तो ये वापस आपका जो है ये ब्रश दिखेगा। तो इसको हैंड पर क्लिक करता हूँ और इस माउस से इसको इधर उधर मैं करता हूँ, ठीक है, ये किया तो इसको हमने यहाँ से एडजस्टमेंट किया। अब इस ब्रश से क्या करेंगे, यहाँ पर पोतना हम चालू कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जिस चीज़ को आपको नहीं पोतना है उसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, या फिर बाद में भी आप इराइज कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल तो मैं इसको पोत लिया हूँ, बाद में हम इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या करना है, सबसे पहले ब्रश की साइज़ को छोटा रखना है और छोटा रखने के बाद कॉर्नर जितनी भी हैं वहाँ पर आपको ब्रश इसको कर देना है, ठीक है। ये वाइट हो रहा है उसकी आप चिंता ना करें, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जहाँ पर बिंदी वगैरह हैं, आईज वगैरह हैं, कुछ गोल्ड वगैरह ज्वेलरी हैं, लिप्स हैं, यहाँ पर आपको छोड़ना है, ठीक है। तो जहाँ पर हेयर आ जाए वहाँ पर भी आपको छोड़ना है, जो चीज़ आपको परफेक्टली दिखानी है उसको आप छोड़ दीजिए, इससे आपके फोटो पर ज़्यादा सुंदरता है वो दिखाई देगी और फोटो बहुत शानदार दिखेगा। और इस प्रकार से ब्रश जब भी आप करते हो पहले बॉर्डर ले ले और ब्रश को अपनी इच्छा के अनुसार छोटा या बड़ा भी आप कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा भी नहीं रखना है, कॉर्नर पर बड़ा रखेंगे तो ये देख ले ऊपर चला जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखें आप, ब्रश को मैं छोटा कर रहा हूँ और पूरा फेर करके आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि लगभग इस पर हमने पेंट कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं या फिर आप क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे, लेयर स्टाइल और बॉन्डिंग ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक लेयर स्टाइल का पैनल जो है वो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से आपको सॉफ्ट लाइट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से सॉफ्ट लाइट पर हमने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं फोटो में इफ़ेक्ट जो है वो बिल्कुल शानदार तरीके का आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत शानदार तरीके से आ चुका है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना इफ़ेक्ट जो है यहाँ पर आया है, इससे भी और इफ़ेक्ट हम देंगे इसके ऊपर, लेकिन इससे पहले इसी लेयर पर हमें थोड़ा सा और काम करना है। वो क्या है कि जो चीज़ें जो हमने डार्क कर ली थी ये भी ढक लिया था, तो इनको हमें हटाना है ताकि ये क्लीन दिखे। यहाँ पर ये देख सकते हैं ये भी थोड़े धुंधले हो गए हैं, तो ये भी क्लीन दिखने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसी लेयर पर सेलेक्ट रहेंगे और उसके बाद में हम इरेजर टूल जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से वापस 9 नंबर ब्रश को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इस ब्रश को छोटा बड़ा हम कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से
ब्रश को थोड़ा सा छोटा कर लेते इतना, ठीक है। या फिर आप क्या करेंगे, कीबोर्ड से ब्रैकेट की जो है वहाँ से भी आप जो है इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं पहले यहाँ से इसको ठीक करना शुरू कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, आपको ब्रश की इसकी ओपोसिटी जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 70% रख रहा हूँ और उसके बाद में इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं, तो जो जो भाग आपको दिखाना है क्लीन, उसको आप सेट कर ले, ठीक है। केवल आई जो है वहाँ पर ही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट जो है इसका आ चुका होगा, ठीक है नहीं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इफ़ेक्ट आ चुका है, तो हम कहीं कहीं से इसका इफ़ेक्ट जो है वो हटा रहे हैं, ठीक है। ये हटा दिया, अब यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको, इस प्रकार से आप इसको थोड़ा सा इरेज कर ले। ये भाग इरेज वहाँ से हो रहा है जहाँ वाइट वाइट था, यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा भद्दा हो रहा है, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको क्लीन कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आई के ऊपर जो है वो आपको थोड़ा सा क्लीन कर लेना है, जहाँ बिंदी हो वहाँ पर भी क्लीन कर लेना है, लिप्स जहाँ पर हो वहाँ पर भी क्लीन कर लेना है, ये आईब्रो जहाँ पर है वहाँ पर भी थोड़ा क्लीन कर लेना, ताकि उसका कलर जो है उसका इफ़ेक्ट जो है वो भी अच्छी तरीके से दिखता रहे, ये हाइड ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। उसके बाद फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ पर भी है ये, तो हम ब्रश को वापस यहाँ से कीबोर्ड के ब्रैकेट बटन है उससे आप छोटा और बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ पर है दोस्तों, ये तसल्ली से करने वाला काम है, इसलिए आप कोई भी काम करते हैं जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, तसल्ली से काम करें फ्रेंड्स, जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी आपके काम को बिगाड़ सकती हैं। तसल्ली से करेंगे तो आप बेहतर से बेहतर जो काम जो है वो इस क्षेत्र के अंदर कर सकते हैं। एडिटिंग का यही रूल्स हैं कि आप पेशेंस से काम करना है, आराम से काम करना है, जल्दबाजी नहीं करना है, और शानदार तरीके से आराम से आपको काम करना है, ठीक है। जहाँ जहाँ आपको दिखे वहाँ पर ये आपको इफ़ेक्ट जो है इसका हटा देना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको लगे कि यहाँ पर कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है इसका असर कर रहा है, तो वहाँ से आप हटा सकते हैं, क्योंकि उस समय ब्रश करने के टाइम पे ऐसा हो जाता है, तो उसको आप यहाँ से हटा सकते हैं आराम से। एक ध्यान रखें, आप फेस पर ना जाए, फेस पर जाएंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है। इतना काम हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितना इफ़ेक्ट जो है इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ से भी ये है, यहाँ से भी हमको हटाना है इसको, ये हो गया। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि इतना इफ़ेक्ट जो है वो आ चुका है। अब हम इसको और भी वाइट करेंगे, और भी वाइट करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल कंट्रोल जे प्रेस करना है, कंट्रोल जे, फिर मैं आपको बता रहा, आपको कंट्रोल जे प्रेस करना है, ये लेयर आपकी डुप्लीकेट हो जाएगी और ये इफ़ेक्ट इसका डबल हो जाएगा। कंट्रोल जे प्रेस किया, ये इफ़ेक्ट इसका डबल हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन ये क्या, इतना वाइट यानी बहुत ज़्यादा वाइट हो चुका है ये फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसे पोता हुआ है। यह आपको पसंद है, काफ़ी वीडियो में लोग इतना करके छोड़ देते हैं और आप समझते हो कि ये गोरा है, ये गोरा नहीं है फ्रेंड्स, ये वाइट है। वाइट और गोरे में अंतर होता है, हमको गोरा बनाना है। तो अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ से ओपेसिटी है उसको थोड़ा सा डाउन करेंगे हम। ओपेसिटी यहाँ पर 100 है, हम इसको डाउन कर लेते हैं कि कहाँ तक ये फोटो जो है वो बेहतर लगेगा। तो फ्रेंड्स इतना किया हमने, 55%। अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो आप ज़्यादा रख सकते हो, अगर आपको वाइट ज़्यादा रखना है तो आप रख सकते हैं, कम करना है तो आप कम कर सकते हैं। मुझे इतना वाइट ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि फ़ोटोशॉप का मैं काम करता हूँ, फ़ोटो एडिटिंग का काम करता हूँ, तो मैं इतना रख रहा हूँ कि ये 50% क्लियर है, इससे ज़्यादा वाइट ख़राब लगेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक येलो टोन आ रही है, ठीक है, ये येलो टोन आ रही है, ये नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये ब्लैक फोटो में ज़्यादातर आती हैं, तो इस टोन को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नीचे वाली जो बैकग्राउंड लेयर हैं, जिस लेयर पे हमने काम किया है, ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। इस लेयर पर हमने काम किया था, जब ये फोटो ब्लैक था तब नहीं दिख रहा था, ठीक है। जैसे कि ये फोटो भी ब्लैक है, तो यहाँ पर आपको येलो टोन नहीं दिख रही है, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर ये अप्लाई किए, जैसे ही अप्लाई किया, तो ये येलो दाने जो हैं वो दिखना शुरू हो गए। तो इनको हटाने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, हम बैकग्राउंड लेयर को सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली लेयर को जिस फोटो पर हमने काम किया है, उसके बाद में इमेज में जाएंगे, एडजस्टमेंट में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्टिव कलर को सेट करेंगे। अब ये सेलेक्टिव कलर का बॉक्स अपने पास में आ चुका है, अब यहाँ से हम येलो कलर को सेलेक्ट करेंगे और येलो में से येलो कलर को हम कब करेंगे, ठीक है, यहाँ से।
देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में जो है ये टोन जा चुकी है। ठीक है, आप अपने अनुसार इसको एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इतना ही आपको करना है, जो कलर आपको यहाँ पर इफेक्ट कर रहा है उसी कलर को शेड करना है, बाकी सियान मेजेंडा या यहाँ पर और भी पैनल है, बहुत सारे कलर है, किसी कलर को नहीं छेड़ना है। किसी और कलर को छेड़ेंगे तो यहाँ से आपका कोई और कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, इसलिए ये गलती आप कभी ना करें। तो फ्रेंड्स यहाँ से मैं ओके कर ले रहा हूँ। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स फ़ोटो में कितना अंतर जो है वो आ चुका है। तो फ्रेंड्स इस फ़ोटो का ये ओरिजिनल फ़ोटो क्या था मैं आपको बता देता हूँ। मैं इसको एक बार डुप्लीकेट कर ले रहा हूँ और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको इधर रख रहा हूँ। और ये फ़ोटो जो है हमारा ओरिजिनल था, इसका ओरिजिनल क्या है इसकी हम हिस्ट्री चेक कर लेते हैं, या फिर इसको हम यहाँ से हटाकर चेक कर लेते हैं कि दोनों फ़ोटो में क्या अंतर जो है वो आया है। ठीक है, तो दोनों फ़ोटो का अंतर जो है वो आप देख सकते हैं कि ये कितना है और ये कितना है, दोनों में अंतर जो है वो आपको साफ दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको और वाइट करना चाहें तो कर सकते हैं, ये देखिए वाइट हो जाएगा। और वाइट करना चाहे तो देखिए हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ये फ़ोटो जो है आपका ख़राब होता जाएगा। तो जहाँ तक ओरिजिनल कलर दिखे वहीं तक आपको सेट करना है, यहाँ से आप ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके सेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी पर आधारित एक फ़ोटो क्लीन करने का और ट्यूटोरियल मैं आपके लेके आऊँगा, लेकिन वो जेंट्स का होगा और उसमें कुछ कलर के इशू होंगे, उसको भी हम दुरुस्त करेंगे। तो फ्रेंड्स ट्यूटोरियल कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नए ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।